वेलकम गाइस, वेलकम टू ओनली टेक्निकल चैनल। ये मेरा मार्केट लर्निंग सीरीज़ की थर्ड वीडियो है। प्रीवियस वीडियो का मैं लिंक कार्ड में आपको दे दूंगा, प्लीज़ उसको ज़रूर जाके देखिए, आपको मार्केट के बेसिक्स क्लियर होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मार्केट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, कैंडलस्टिक पैटर्न या कैंडलस्टिक चार्ट। आप देख रहे होंगे यहाँ पे दो कैंडल मैंने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एक ग्रीन कलर से और एक रेड कलर से। ये ऊपर वाला जो पोर्शन होता है या जो डाउन में जो पोर्शन है इसको हम विक बोलते हैं, और ये जो हमारा बीच वाला जो पोर्शन है इसको बॉडी बोलते हैं। कैंडलस्टिक बेसिकली हमारा एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है स्टॉक्स के प्राइस का या इंडेक्स के प्राइस का। मतलब ये हमें बेसिकली मूवमेंट बताता है कि प्राइस यहाँ तक गया या नीचे यहाँ तक गया। अगर हमारी ग्रीन कैंडल है तो इट मीन्स हमारा प्राइस एक्शन यहाँ पे ओपन हुआ था और यहाँ पे क्लोज हुआ है, और दिन के अंदर उसने ये लो बनाया है, ये विक का जो सबसे नीचे वाला पार्ट है, और उसने ये हाई बनाया है। रेड कैंडल के अंदर एकदम उल्टा होता है, ये बीरिश कैंडल होती है, यानी कि यहाँ पे हमारा प्राइस ओपन हुआ होगा उस पर्टिकुलर शेयर का या इंडेक्स का जो भी वैल्यू होगी, और यहाँ पे हमारा क्लोज हुआ है, और ये हमारी विक है, यानी कि जो ये मिनिमम है और ये हमारा मैक्सिमम प्राइस है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज़ इसको ध्यान से समझिएगा। आज हम इसमें सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक कैंडल का बेसिक स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गया है। अब हम स्टार्ट करते हैं हैमर कैंडल से। हैमर कैंडल के अंदर एक बॉडी होती है, बॉडी छोटी होती है और अप या डाउन पोर्शन में होती है, और देखने में ये हैमर यानी कि हथौड़े जैसा लगता है। ये हमारी नॉर्मल हैमर है, ये हमारी इन्वर्टेड हैमर है। इसका मैं यूज़ आपको बाद में बताऊंगा कि डाउन ट्रेंड के अंदर कैसे होता है, अप ट्रेंड के अंदर कैसे होता है। हैमर के अंदर ही हम हमारा होता हैंगिंग मैन और शूटिंग स्टार है, तो ये भी हैमर कैंडल, लेकिन इनका नेमिंग चेंज इसीलिए है क्योंकि ये अप ट्रेंड के अंदर होती हैं, और जो हमारी जो प्रीवियस थी हैमर वो डाउन ट्रेंड के अंदर होती है। यानी कि जब हमारा डाउन ट्रेंड है, कोई डाउन ट्रेंड में है कोई शेयर या मार्केट, और उसके बाद अगर ये बनती हैं कहीं नीचे जाके उसके बेस पे सपोर्ट पे इस टाइप की कैंडल, तो उसको हम हैमर बोलते हैं। और अगर हमारा कोई स्टॉक या इंडेक्स अप ट्रेंड में है, यानी ऊपर जा रहा है हमारा प्राइस एक्शन, और उसके बाद ऐसी कैंडल बनती हैं जो कि है हैमर ही कैंडल लेकिन उनका नेमिंग चेंज हो जाता है, तो उसको हम इस टाइप को हैंगिंग मैन बोलते हैं और इस टाइप को हम शूटिंग स्टार बोलते हैं। हैमर कैंडल एक रिवर्सल कैंडल है, उससे प्राइस एक्शन यानी कि स्टॉक या इंडेक्स जो भी है उसका रिवर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमारी कैंडल है स्पिनिंग टॉप या स्पिनिंग बॉटम। अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों के अंदर आ सकती है ये। इसके अंदर हमारी विक लंबी लंबी होती है और बॉडी बीच में होती है, छोटी होती है। ये भी हमारी एक तरीके से ट्रेंड रिवर्सल को शो करती है। आपको एग्जांपल के साथ मैं बाद में समझाऊंगा कि ये कैसे काम करती है। फिलहाल हम इन सब कैंडल्स का हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और इसमें इम्पोर्टेंट है, जो इसका जो कलर होता है, स्पिनिंग टॉप बोल लीजिए, स्पिनिंग बॉटम बोल लीजिए, हैमर बोल लीजिए, शूटिंग स्टार है, हैंगिंग मैन है, इनका कलर मैटर नहीं करता। तीसरी हमारे अंदर जो हमारा हम तीसरा जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो डोजी कैंडल डिस्कस कर रहे हैं। ये इंडिसिजिव कैंडल होती हैं, इनके अंदर जो विक काफ़ी लंबी लंबी होती है और बॉडी बहुत छोटी होती है। बॉडी जो होती है हमारी कैंडल की वो वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करती है। अगर बॉडी बड़ी है इट मीन्स वॉल्यूम ज़्यादा ट्रेड हो रही है उस पर्टिकुलर शेयर या इंडेक्स के अंदर। तो विक लंबी होने का मतलब इनडिसीजन है, यानी कि मार्केट ऐसे पॉइंट पे खड़ा है जहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते कि ऊपर जाएगा मार्केट या नीचे जाएगा, तो ये इनडिसीजन को शो करती हैं। इनके अलग अलग नाम है, जैसे कि ये वाली लॉन्ग लेग डोजी होती है, ये ग्रेवस्टोन डोजी, अलग अलग नाम है, लेकिन इसका मेन पर्पज़ होता है इनडिसीजन को शो करना। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं इन सब कैंडल को। हम लोगों ने डिस्कस किया था शूटिंग स्टार, हैमर, स्पिनिंग टॉप, स्पिनिंग बॉटम। ये देखिए, जब हमारा अप ट्रेंड होता है, अप ट्रेंड के बाद ये एक शूटिंग स्टार, परफेक्ट शूटिंग स्टार कैंडल बनी है, जिसको हम अगर ये डाउन ट्रेंड के बाद अगर बनती है तो इसी कैंडल को हम इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं, लेकिन ये अप ट्रेंड में बनी है इसलिए हम इस कैंडल को अब शूटिंग स्टार बोलते हैं। और ये देखिए, इसने एकदम रिवर्स कर दिया पूरा ट्रेंड, क्योंकि शूटिंग स्टार है हमारा या स्पिनिंग बॉटम है, हैमर कैंडल है, वो सब हमारी रिवर्सल कैंडल होती हैं। तो जैसे ही ये शूटिंग स्टार यहाँ बना, देखिए प्राइस एक्शन एकदम रिवर्स हो गया, नीचे की तरफ चल पड़ा। अब ये देखिए स्पिनिंग बॉटम,
स्पिनिंग बॉटम देखिए, जैसे ही यहाँ पे स्पिनिंग बॉटम बना और अगली कैंडल ने इस कैंडल के अबो क्लोज किया, हमें इसके अंदर ये ज़रूर ध्यान रखना है, जो भी हमारी ये रिवर्सल कैंडल बनती है उससे जो नेक्स्ट कैंडल होती है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कैंडल जो है हमेशा, जैसे हम अप ट्रेंड चालू होगा तो नेक्स्ट कैंडल उस हमारे जो कैंडल रिवर्सल कैंडल बनी है उसके हाई के अबो क्लोज होना चाहिए, और अगर डाउन ट्रेंड हो रहा है तो उसके लो के नीचे क्लोज या बिलो क्लोज होना चाहिए, जैसे कि इसमें क्लोज हो रहा है। तो जैसे ये स्पिनिंग बॉटम बनी और नेक्स्ट कैंडल ने उसके अबो क्लोज किया, ये देखिए प्राइस एकदम रिवर्स हो गया, यहाँ देखिए स्पिनिंग टॉप बनी है। तो बेसिकली ये एग्जांपल आपको सिर्फ कैंडल के स्ट्रक्चर को समझाने का था कि शूटिंग स्टार क्या है, स्पिनिंग बॉटम क्या, स्पिनिंग टॉप क्या है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देखेंगे हैमर कैंडल, ये देखिए डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड के बाद ये देखिए एक कैंडल बनी है, इस कैंडल जो कि हथौड़े जैसी है, इस कैंडल को हम हैमर कैंडल बोलते हैं। यही कैंडल अगर अप ट्रेंड होता, अप ट्रेंड के बाद अगर ये ऐसी कैंडल फॉर्म होती है तो उसको हम हैंगिंग मैन बोलते हैं। इसी के अंदर आप एक और कैंडल देख रही है, डोजी कैंडल जो मैंने मार्क कर रखा, डोजी कैंडल है ये। डोजी कैंडल मतलब इंडिसिसिव कैंडल होती है, इसमें विक लंबी होती है और बॉडी काफ़ी छोटी होती है। गाइज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आई होप आप इसको समझ गए होंगे, और इन कैंडलस्टिक पैटर्न को आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, चार्ट में देखिएगा, ये आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।